बिहार विधान परिषद के राज्यपाल कोटे से डॉक्टर राजवर्धन आजाद को एमएलसी नियुक्त किया गया है। बिहार विधान परिषद के सभा कक्ष में उन्हें सदस्यता दिलवाई गई और इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इसके साथ ही विभागीय के कई मंत्री भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने राजवर्धन आजाद को बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह कर देश में ही जो है जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं, ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया। तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर, अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपका गठबंधन टूटे, एक आप लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, ऐसी बातें। हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई, हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां, कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हों, कालकी मरकज हों, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह कर देश में ही जो है जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं, ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया। तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर, अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपका गठबंधन टूटे, एक आप लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, ऐसी बातें। हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई, हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां, कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हों, कालकी मरकज हों, आशा वर्कर हों, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है